नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका यूट्यूब चैनल नियर द नेचर में। आज मैं आपको एक एक्वेटिक फर्न मार्सिलिया के बारे में बताने वाला हूं, जो प्लांट किंगडम के क्लैट्रेकियोफाइटा डिवीज़न पोलीपोडियोफाइटा क्लास पोलीपोडियोप्सिडा ऑर्डर मार्सिलियल्स की फैमिली मार्सिलिएसी का एक सदस्य है। जीनस मार्सिलिया के अंतर्गत लगभग 65 स्पीसीज ज्ञात हैं, जिनमें से भारत में मार्सिलिया क्रिनाटा, मार्सिलिया क्वाड्रीफोलिया बहुतायक से प्रेजेंट है। एक मार्सिलिया ड्रुमांडी स्पीसीज भी पाई जाती है। तो ये सामने लार्ज संख्या में बहुत अधिक इनकी कॉलोनी जो है ये मार्सिलिया की है दोस्तों। इसमें दो स्पीसीज क्लियर कट दिख रही हैं, एक तो ये बड़े पिटियोल वाले जो आपको दिख रहे हैं और इसके ऊपर ये चार लीफलेट दिख रहे हैं, ये मार्सिलिया क्वाड्रीफोलिया है। लीफलेट नीचे यहाँ पर इसका राइजोम है और जहाँ पे राइजोम होता है वहीं से जड़े ये फाइब्रस ब्राउन कलर की जो रूट्स होती हैं वो नीचे की तरफ निकलती हैं और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचनाएँ ये बीज जैसी यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर आप देखिए ये बीज जैसी संरचनाएँ आपको यहाँ पर सामने दिख रही हैं, ये स्पोरोकार्प है दोस्तों। और स्पोरोकार्प जो होते हैं ये सीड जैसे ये ब्राउन पर्पल कलर के रेडिश कलर के ये स्पोरोकार्प हैं और जहाँ से पिटियोल ऊपर की तरफ निकलता है और वहीं पर ये स्पोरोकार्प होते हैं जिसके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं और ये प्रोपोगेट करने में मदद करते हैं दोस्तों। ये छोटी लीफ वाला जो आपको दिख रहा है ये मार्सिलिया ड्रुमांडी है और ये बड़े पिटियोल वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मार्सिलिया क्वाड्री फोलिया है दोस्तों। ये जो ड्रुमांडी जिसके अभी मैं सिर जैसी ये स्पोरोकार्प दिखा रहे हैं, इसको ऑस्ट्रेलिया कुछ देशों में से नारडू के नाम से भी जाना जाता है। मैं इसको थोड़ा पानी में साफ करके दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। ये पानी में मैंने इसके राइजोम को धुलने का प्रयास किया और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सीड जैसी संरचना यहाँ पे ब्राउन कलर की ये दिख रही हैं ये इसके स्पोरोकार्प हैं और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में इसे नारडू के नाम से जाना जाता है। और एक बार सीप और हॉर्सेस ने इनको काफ़ी मात्रा में खा लिया था, जिनकी वजह से लगभग 2200 ऑस्ट्रेलिया में सीप्स की डेथ हो गई थी। और बाद में जब स्पोरोकार्प का इस अध्ययन किया गया तो पता चला कि इसमें विटामिन B1 जिसे थायमिन के नाम से जाना जाता है उसको डिस्ट्रॉय करने वाला एक एंजाइम थायमिनेस उपस्थित था, जिसकी वजह से इन केटल्स या फिर जो सीप थी उनकी डेथ हुई। तो ये बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं, ये जहाँ से पिटियोल ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता है वहीं के बेस पे ये जो इसका राइजोम होता है जिससे स्टेम या राइजोम हम बोलते हैं वहीं पर ये ऊपर की तरफ लगे होते हैं दोस्तों। ये दिख रहे हैं क्लियर कट स्पोरोकार्प और ब्राउन कलर की जो इसकी रूट्स होती हैं ये जहाँ पे इसकी नोड होती है उस नोड से ये नीचे की तरफ ज़मीन में घुस जाती हैं और ये बीच का पोर्शन इंटर नोड के बाद देखिए फिर ये नोड है, नोड पे ऊपर की तरफ ये पिटियोल और ऊपर ये आपके चार लीफलेट दिख रहे हैं और इसके बेस पे यहाँ पे आपको फिर
वही संरचना स्पोरोकार्प दिखती हैं। तो दोस्तों ये पानी भरा हुआ खेतों में और यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में मार्सिलिया जो है वो प्रोपोगेट कर रहा है। यहाँ पे कई स्पीसीज की मौजूद हैं मार्सिलिया की, और मार्सिलिया क्रेनाटा, मार्सिलिया क्वाड्रीफोलिया और कुछ मार्सिलिया ड्रोमोंडी के स्पीसीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक वाटरफॉल दोस्तों, ये खेतों में पानी भरा हुआ है और किनारे पर बहुत अधिक संख्या में मार्सिलिया के पौधे प्रोपोगेट करके वृद्धि कर रहे हैं। पूरे खेत में इसी तरह से ये किनारे किनारे फैले हुए हैं बहुत अधिक संख्या में। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस एक्वेटिक फर्न मार्सिलिया से परिचय कराया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल नियर द नेचर को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।